हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Redmi Note 10 Pro Max में हमें 5G और AMOLED देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज वेल एज Narzo 30 Pro का इंडिया प्राइस पॉइंट क्या रहने वाला है, एज वेल एज Poco F2 हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, क्या फीचर्स वगैरह रहेंगे, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 167 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गरमागरम क्वेश्चंस का गरमागरम रिप्लाई देने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर टैग इंडिया। ये बेसिकली इन्होंने तीन क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई वी कैन सी न्यू ऑनर स्मार्टफोन इन इंडिया आफ्टर बिकमिंग अ इंडिपेंडेंट ब्रांड, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो भाई, ऑनर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वो लोग कमबैक बराबर करेंगे नहीं करेंगे, क्या कुछ लाएंगे, गूगल सर्विस रहेगी नहीं रहेगी, भाई कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पर ये ब्रांड के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। साथ ही में दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ब्रांड स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के फोन इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च करते। आपको 2021 के मिड से जो है ना, बहुत सारे स्मार्टफोन जो है 15,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे ये चिपसेट के साथ में देखने को मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, और आपका फर्स्ट टैग परचेस क्या था, एंड लव योर ऑनेस्ट कंटेंट, थैंक्स फॉर लविंग माई ऑनेस्ट कंटेंट भाई। एंड पहला टैग तो मुझे पता नहीं परचेस कौन सा था, लेकिन पहला स्मार्टफोन जरूर मेरे को याद है, मेरे दिल के बहुत ही करीब था, और वो यहाँ पर स्मार्टफोन था मेरा कार्बन का A9। जी हाँ, मैंने लोकल मार्केट से 8,500 में परचेस किया था। मतलब बहुत ही छोटा सी व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जबरदस्त स्मार्टफोन था, आज भी मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लगता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर सौरभ सिंह, ये बोलते हैं भाई मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इसका आंसर है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं शानू मोरिया, ये बोलते हैं भाई आप प्रेजेंट टाइम कौन सा फोन मतलब यूज करता हूँ मैं, एंड लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लव टू फ्रॉम मुंबई, एंड करंटली आई एम यूजिंग टू स्मार्टफोन, वीवो Z1X जिससे यहाँ पर ये वीडियो शूट हो रही है, एंड रियलमी 1 464 वाला वेरिएंट, एंड ये दोनों से मेरा काम पूरा चल जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कार्तिक, ये बोलते हैं ब्रो प्लीज टेल अबाउट कैरियर एग्रीगेशन, एंड डस सैमसंग गैलेक्सी F62 सपोर्ट इट, लव योर ऑनेस्ट कंटेंट ब्रो, थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। एंड कैरियर एग्रीगेशन, आपका फॉर एन एग्जांपल आप कम वाले नेटवर्क की जगह पे हो, तो कैरियर एग्रीगेशन क्या करता है, 4-5 बैंड को मिला के जो है आपको अच्छी स्टेबल डेटा स्पीड प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, अच्छा नेटवर्क देने की कोशिश करता है, जो कि सैमसंग F62 में आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अबे द ग्रेट, ये बोलते हैं ब्रो आप डेली वीडियोस कैसे बनाते हो, कोई हेल्थ इशू या घर का काम होने पर क्या करते हो, एंड बेस्ट फोन अंडर 15-16K फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, लव यू बड़े भाई, लव यू टू भाई। एंड मैं यूट्यूब वीडियोस यार मेरा पैशन है, मतलब वीडियो नहीं बनती ना मुझे ऐसा टेंशन रहता है यार, मतलब मेरा कुछ मिस हो गया है, तो मैं 2 वीडियो रोज की बनाने की कोशिश करता हूं, बन भी जाती है। एंड हेल्थ इशूज होता है, तभी बीच में मैं बहुत बीमार था लॉकडाउन के टाइम पे, बट स्टिल मैंने एक भी दिन को स्किप नहीं करा, कैसे ना कैसे मतलब कट ज्यादा लग जाता है या खांसी वगैरह आती है तो कट ले लेके एडिटिंग में हो मैं कवर कर लेता हूँ, बट मैं वीडियोस को स्किप नहीं करता हूँ। और काम वगैरह पड़ता है तो मैं पहले वीडियो बनाता हूँ उसके बाद में काम करता हूँ, मैं अपनी पहली प्रिफरेंस सबसे पहले जो है वीडियो को देखता हूँ, उसके बाद में जो काम है वो काम यहाँ पर मैं करता हूँ। वैसे 15,000 से 16,000 रुपये में मैं बोलूँगा रेडमी नोट 10 सीरीज का वेट करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है अच्छा प्रोसेसर अच्छे कैमरास वगैरह मिलेंगे, तो यूट्यूब वीडियोस बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर लकी महाला, बोलते पोको F2 इंडिया में कब तक आएगा, क्या मार्च के एंड में मिल सकता है, क्या इसका प्राइस 20,000 से 25,000 के बीच होगा क्या, लव यू ब्रो, लव यू टू भाई। एंड पोको F2 यस मार्च के एंड में आपको देखने को मिल सकता है, एंड प्राइस पॉइंट 20-25,000 तो मुश्किल है, 25,000 से 30,000 तक आपको देखने को मिल सकता है अगर स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आया तो। नेक्स्ट यहाँ पर राजकुमार टंटी, ये बोलते हैं भाई क्या रेडमी K40 का प्राइस क्या होगा और इंडिया में कब तक आएगा, और रेडमी नोट 10 में 5G होगा या नहीं, और नोट 10 का प्राइस क्या होगा, लव यू भैया, लव यू टू। और यार इतने सारे क्वेश्चन भाई ने मिला दिए, K40 की प्राइस पॉइंट अराउंड 30,000 रुपीज चाइना में रहने वाली है, वैसे 25 फेब को चाइना में लॉन्च होने वाला है, साथ में रेडमी नोट 10
प्रो मैक्स जो है वो बताया जा रहा है 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। 4G वेरिएंट भी रहेंगे, 5G वेरिएंट भी रहेंगे, एंड प्राइस पॉइंट जो Redmi Note 10 सीरीज की रहेगी वो आपका 12,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के बीच में सारे वेरिएंट जो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रवीण कुमार, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 10 के किसी वेरिएंट में AMOLED डिस्प्ले होगा क्या, प्लीज बता दो, आई एम वेटिंग फॉर Note 10 सीरीज, बाय द वे लव योर ऑनेस्ट कंटेंट। थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। एंड Redmi Note 10 सीरीज में जो Redmi Note 10 Pro Max है, जितने भी अभी तक के लीक्स आए हिंट निकल के आए, एक वेरिएंट में आपको जो है सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में 60Hz वाले पैनल में। हां गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गरम-गरम लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं ऋतिक नायक, ये बोलते हैं इस गैलेक्सी M62 कम्स 5G चिपसेट एंड व्हेन विल बी दिस लॉन्च, बेसिकली लॉन्च कब होगा ये पूछ रहे हैं। लव यू फ्रॉम ओडिशा, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। एंड M62 आपको जो है मार्च के एंड में या अप्रैल की स्टार्ट में देखने को मिल सकता है। अब 4G रहेगा 5G रहेगा ये चीज अभी फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है यहां पर अभिषेक, ये बोलते हैं आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले भाई स्मार्टफोन प्राइस वेरी हाई नाउ डेज, पहले रियलमी नंबर सीरीज जो है Redmi Note 10 सीरीज 10 से 15,000 रुपए में आते थे, बट अब 15 से 20 हो चुका है। एंड 5A 5K में आता था एंड 9A जो है 7.5K में आता है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। यस प्राइस पॉइंट बढ़ चुके, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है वो भी बढ़ चुकी है, GST भी बढ़ चुका है, एंड फीचर्स भी तो अपग्रेड हुए ना। 5A में आपको 5,000 रुपए में प्रोसेसर अलग मिलता था, 9A में उसका थोड़ा अपग्रेड मिल रहा है, तो वो भी चीजें हैं। और कंपनीज भी अभी थोड़ा जो प्रॉफिट मार्जिन जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रख रही है। यस आगे चल के जो है आपको प्राइस पॉइंट ऐसे ही ठीक ठाक देखने को मिलेगा, पहले जैसा कम मुझे नहीं लगता आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फनी मोमेंट, ये बोलते हैं भाई कुछ वीडियोस देख रहा हूँ कि Redmi Note 10 Pro Max 5G में कर्व स्क्रीन होगा, क्या ये सही है? नहीं, कर्व स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगी 20,000 रुपए की रेंज में, भाई क्या क्या लोग हैं, AMOLED भी लोगे, कर्व स्क्रीन भी इम्पॉसिबल है। साथ ही में पूछ रहे सैमसंग F62 में सैमसंग ने कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया, क्या आप भी डिसअपॉइंटेड हो? ऑफकोर्स मेरे हिसाब से 90Hz का रिफ्रेश रेट रहना चाहिए था। और ये पूछ रहे ओप्पो रेनो 5 प्रो ऑफलाइन में 30K में मिलता है, तो क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी होगा? लव यू फ्रॉम नवाबों का शहर लखनऊ, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो ठीक है, मतलब 30,000 रुपये में अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस, डिज़ाइन वगैरह ज़बरदस्त चाहिए और ऑनलाइन का नाटक नीचे आपको ऑफलाइन में चेक करके स्मार्टफोन लेना है, ले सकते हो, बुरी डील मैं नहीं कहूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पर खंजन राभा, ये बोलते हैं नाजो 30 प्रो किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा? तो जो इसका बेस वेरिएंट है 664 से बताया जा रहा है स्टार्ट होगा एंड प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 15,000 to 16,000 रुपीस, ये दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगी अगर रियलमी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लाता है तो। X7 सीरीज जैसा करे तो भाई ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर सिंग इज किंग, ये बोलते हैं OnePlus 8T, OnePlus 8 Nord में सिर्फ N78 5G बैंड सपोर्ट है, फ्यूचर में जाके 5G बैंड का अपडेट आ सकता है क्या? देखो पॉसिबल है भी पॉसिबल नहीं भी है, उन लोग ने यहाँ पर जो बैंड डाले उसके बाकी के जो सारी चीजें जो कनेक्टिविटी रहती है उसके हिसाब से वो लोग ने परचेस करे थे या नहीं करे थे वो तो भाई आगे चल के हमको पता लगेगा। एंड अभी के लिए कोई भी कह नहीं सकता है कि सारे डिवाइस में इंडिया में 5G चलेगा या नहीं चलेगा, तो अभी करंटली सब ब्लैंक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते। तो अगर आप कोई भी OnePlus का डिवाइस वगैरह ये सारे में से परचेस करो तो 4G समझ के चलो, 5G निकल गया तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइटनिंग गेमर, ये बोलते हैं विच टीम यू हैड टेकन इन 11th, भाई मैंने साइंस लिया था जी हाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर नेमेसिस, ये बोलते हैं भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे हैं क्या बिना ईयरफोन के पबजी खेलने से गन शॉट से मोबाइल स्पीकर खराब होता है? तो नहीं होता है, फुल साउंड पे मैं बोलूँगा, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो या कुछ भी करो, हमेशा जो है मोबाइल जो है एक दो पॉइंट कम रख के सुना करो, स्पीकर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका चलेगा एंड गन शॉट से यार आपका स्पीकर खराब नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पूछ रहे हैं स्नैपड्रैगन 888 वर्सेज A14 बायोनिक चिप, तो दोनों ही पावरफुल है तो दोनों में से कोई भी चल जाएगा, एक पिक करना बहुत मुश्किल है। एंड नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नहारी रोटी, ये बोलते हैं भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले Redmi Note 10 सीरीज़
क्या प्राइस पॉइंट होगी एंड चाइना से मोबाइल परचेस करके इंडिया में यूज कर सकते हैं क्या, आई मीन इंडियन सिम यूज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यहां पर आप कर सकते हो एंड मैं रिकमेंड इतना नहीं करता हूं क्योंकि इंडिया चाइना से मंगाओगे फिर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बहुत महंगा पड़ जाता है। तो है मुझे शेयर करना था ओपिनियन तो मैं आपके साथ में यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो चाइना का यस चलने को तो चल जाएगा एंड रेडमी नोट 10 सीरीज की मैंने प्राइस पॉइंट बताया 11-12 हज़ार रुपए से लेकर 20 हज़ार रुपए के बीच में आपको सारे वेरिएंट जो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर AKS पियानो, ये बोलते हैं भाई ये बताओ कि माइक्रोमैक्स के बारे में क्या सोचते हो। माइक्रोमैक्स ने यार मेरा दिल जीत लिया है, इन नोट वन इन वन भी जबरदस्त स्मार्टफोन और उससे भी बेटर मुझे ये लगता है कि लोगों की सुन रहे जो बग्स वगैरह उसको फिक्स कर रहे हैं, अपडेट वगैरह रेगुलरली यहाँ पर दे रहे, सिक्योरिटी पैच का हो या स्लो मोशन का अपडेट हो, कैमरा अपडेट हो, सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों की ध्यान दे रहे। केस नहीं दिए थे वो केस वापस से अलग से कोई ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं कराता, माइक्रोमैक्स ने कराया था इन नोट वन के पहले सेल वाले लोगों के लिए जबरदस्त से। मुझे लगता है आगे चल के 2 से 3 साल में जो है माइक्रोमैक्स कंपीट करेगा रियलमी एंड शाओमी के साथ में, जहां तक के मुझे लगता है। नेक्स्ट है यहां पर अभिषेक शर्मा, ये बोलते हैं ब्रो वीवो V20 ऑफलाइन मार्केट में 20,000 में ले, 20,000 रुपए में अगर आपको नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मिल रहा है वीवो V20 ऑफ कोर्स ले सकते हो, कैमरास आर जस्ट किलर सुपर्ब। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाने की सोच रहे हो, व्लॉगिंग करने की स्पेशली सोच रहे हो यार, सेल्फी कैमरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रेयर कैमरा तो है ही, सेल्फी कैमरा अमेजिंग है 44 मेगापिक्सल का, सुपर्ब डील 20,000 रुपए में ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जस्ट किलर। नेक्स्ट है यहां पर अक्षय शिंदे, बोलते हैं स्नैपड्रैगन 750G वर्सेस डायमेंसिटी 800U, मैं 750G के साथ में जाऊंगा, पता नहीं मुझे स्नैपड्रैगन के जो चिपसेट है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज लगते हैं। नेक्स्ट मी 11 वर्सेस रियलमी X7, तो मैं मी 10i के साथ में जाऊंगा, यस 10i 11 गलती से बोल दिया, मी 10i के साथ में मैं जाऊंगा, ओवरऑल मुझे बेटर स्मार्टफोन लगता है। और ये पूछ रहे मूवीज वर्सेस वेब सीरीज, तो मैं मूवीज के साथ में जाऊंगा, अच्छी मूवी ट्रिलर मूवी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, जो सस्पेंस टाइप की रहती ना, केस वगैरह सॉल्व करते हैं वैसी टाइप की मूवीज मुझे बेटर लगती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सोमिया जी सरकार, बोलते हैं क्या एक किडनी में इंसान जिंदा रह सकता है क्या, वो मुझे आईफोन लेना था। भाई आईफोन 10 बार आप बाद में भी कमा के ले सकते हो, किडनी एक बार चली गई ना तो बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा। जो करो, जैसे आपने भी मजाक करे मैंने भी मजाक किया। सो गाइस ये सारे धमाकेदार क्वेश्चंस थे जो कि आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे, आई होप सो कि मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, या कोई क्वेश्चन अभी के भी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको ऑडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।